आज हम अपने स्कूल में आए हैं जहाँ से मैं पास आउट हुआ हूँ, जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली जब मैं स्टार्टिंग में स्कूल में एडमिशन लिया 2005 या 6 में अराउंड की बात है ये, तो एक्चुअली मैं नॉर्मल बच्चों की तरह ही एडमिशन लिया, नॉर्मल बच्चों की तरह साथ ही रहता था, नॉर्मली पढ़ाई जो होती थी स्कूल में करता। बस थोड़ा ये था कि थोड़ा इंटरेस्ट रहता था कि पढ़ाई से बच के थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ जाऊँ, तो कभी फुटबॉल खेल लिया, कभी वॉलीबॉल, कभी बास्केटबॉल। तो मतलब जो भी क्लास चलती जिस पीरियड में जो भी मतलब गेम्स चल रहा होता, मैं ज़्यादातर क्लासेस को छोड़ के गेम्स की तरफ जाता था। तो उस टाइम एक्चुअली मेरा कोई गोल क्लियर नहीं था कि मुझे करना क्या अपनी लाइफ में, कभी फैमिली ने कुछ ऐसा बोला नहीं। एक्चुअली फादर भी मेरे स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, एक्चुअली बहुत ही अच्छे क्रिकेट प्लेयर रहे हैं, उन्होंने कभी मेरे को मतलब ऐसा फोकस नहीं कराया कि तू ये गेम कर। वो सोचते थे कि क्रिकेट में डालू, बट क्रिकेट में कभी मेरा इंटरेस्ट नहीं था। फिर उसके बाद संदीप सर ने एक्चुअली हमारे लिए पर्सनली ग्राउंड ही रेडी करवाया, एथलेटिक्स के लिए स्पेशल 200 मीटर ट्रैक करवाया यहाँ पर तैयार। और जब तक मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे एथलेटिक्स ही करनी है, तो सर ट्रेनिंग कराते बताते आज तुझे ये वर्कआउट करना, ये करना, ये करना, ठीक है सर। पर बीच में उसके बीच में भी ये रहता था कि यार ये और बच्चे से खेल रहे, बीच में फुटबॉल खेल रहे, वॉलीबॉल खेल रहे, मैं इनके अंदर चला जाऊँ, ये खेलने लग जाऊँ, क्यों उससे थोड़ा मन चुराता था। वार्म अप कर लिया, बस इतना रहता था कि दो चक्कर लिए उसके बाद गेम कर लूँ। फिर उसके बाद मतलब ये नहीं था कि स्कूल ही मतलब सर देख रहे, स्कूल में ही मेरा मतलब सर का फोकस है था कि स्कूल में इसको ट्रेनिंग कराऊं। एक्चुअली सर का एक रैंडमली चक्कर भी होता था कभी भी, मतलब एक रैंडमली स्टेडियम में आके चेकआउट करने के लिए कि यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या वर्कआउट चल रहा है इसका। और संदीप सर की कई बार तो रहता था कि मुझे देख के सुबह इसको मतलब सर पहले ही गैस कर लेते थे कि सुबह लगता है आज कम वर्कआउट करा है या जो भी है, मैं अच्छा भी करके आता हूँ, फिर भी सर बोलते नहीं अब मॉर्निंग सेशन चल रहा है स्कूल में सभी का, तू साथ में लग जा। तो बहुत टाइम तक मेरा कई बार मतलब तीन बार सेशन होते स्कूल के मिला के, तीन टाइम ट्रेनिंग हो जाती ग्राउंड पे भी, सुबह मॉर्निंग में भी, मॉर्निंग में पापा के साथ ट्रेनिंग, स्कूल में आके संदीप सर के साथ ट्रेनिंग, फिर मेरे कोच मुकेश बस के साथ ट्रेनिंग। तो मतलब सर रैंडमली मतलब बहुत चेक करते थे कि इसकी ट्रेनिंग कैसे, मतलब बहुत फोकस रहता था। मैं ये नहीं कहता कि मतलब एक मेरे पे ही फोकस ज़्यादा था, बट मुझे ये लगता था कि हाँ कि मतलब अंदर की जो फीलिंग थी, मुझे ये लगता कि संदीप सर का फोकस सबसे ज़्यादा मुझ पे ही था। फिर धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट होती है, अच्छा करता रहा, स्कूल नेशनल में रिकॉर्ड बनाए, मेडल जीते काफ़ी। फिर 2012-13 में यूपी में स्कूल नेशनल था, बेस्ट एथलीट बना वहाँ पर अखिलेश यादव ने, जो उस टाइम CM थे अखिलेश यादव यूपी के, उन्होंने मेरे को नैनो गाड़ी गिफ्ट की, जिन्होंने मेरे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जो मतलब एक स्टार्टिंग थी मेरी। वो मेरे संदीप सर है जिन्होंने मेरे को मतलब एथलेटिक्स गेम्स के बारे में बताया, और इन्होंने ही मेरे को मतलब स्टार्ट कराया था गेम स्टार्टिंग में। बट पहले हमारा गोल क्लियर नहीं था, कभी कोसे इवेंट में कर रहा हूँ पार्टिसिपेट, कभी कोसे में, वो चीज़ क्लियर संदीप सर ने की मेरी, जो गोल क्लियर किया वो संदीप सर ने किया कि आप एथलेटिक्स करो। तो उसके बाद देन मैंने अपने एथलेटिक्स गेम स्टार्ट किया। Myself, डॉक्टर संदीप शेखावत, आई एम वर्किंग इन अ गंगा इंटरनेशनल स्कूल लास्ट 18 ईयर। आई एम पास आउट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई एम ऑल्सो इन NIS इन बास्केटबॉल एंड आई हैव लॉट्स ऑफ अचीवमेंट इन आर डिफरेंट गेम एंड ऑल। तो यहाँ पे जब मैं आया तो ये जो बेसिकली जो सावदा विलेज है, ये यहाँ पे गंगा इंटरनेशनल स्कूल हमारा लोकेटेड है, और हमारे जो चेयरमैन हैं वो डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी के नेतृत्व में हमने यहाँ काम करना और अपनी जॉब को स्टार्ट किया। उस टाइम पे यहाँ पे फाउंडर जो प्रिंसिपल थे वो डॉक्टर रचना सदी मैम थे, और रचना मैम ने हमें हर टाइम पे जो है स्पोर्ट्स को लेके और स्पोर्ट्स प्रमोशन को लेके उन्होंने हमें गाइडेंस दी, और हम लोग उस पर उसी विजन पे आगे काम करते रहे। तो जब स्कूल ने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जोन लेवल पे, इंटर जोन लेवल पे खेलना स्टार्ट किया, तो ये पता चला कि भाई यहाँ पर पोटेंशियल तो बहुत सारी है, लेकिन उसको डाइवर्ट कैसे किया जाए और इन बच्चों को स्पोर्ट्स के अंदर कैसे जो है इनको इंक्रेज किया जाए, ताकि मैक्सिमम बच्चा जो है ग्राउंड के अंदर आए और अपने आप को एक फिटनेस के बिहाव पे जो है अपने आप को अप कर सके। यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है, और उसके बाद में हमने मॉर्निंग का जो शेड्यूल बनाया वो अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock हम लोग हमारी रिपोर्टिंग करते थे। बहुत सारे बच्चे आसपास के विलेज से यहाँ पे मॉर्निंग में ट्रेनिंग के लिए आते थे फिटनेस के लिए, और वो जब सिलसिला एक साल तक चलता रहा, तो उसके बाद में ये हुआ कि भाई अब बच्चों का राइट टाइम आ गया है, इनको अलग अलग गेम के अंदर डेवलप किया जाए, अलग अलग गेम में इनको
इंडिविजुअली जो है वो ट्रेनिंग सेशन का पार्ट को स्टार्ट किया जाए. देन वी आर अरेंज द सम प्रोफेशनल कोचिज ऑल्सो लाइक इन एथलेटिक्स, लाइक इन जूडो, लाइक इन बॉक्सिंग, लाइक इन हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग और शूटर्स. बहुत सारे ऐसे जो प्लेयर्स यहाँ से रहे हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और वो लोग मेडलिस्ट रहे हैं. मैं अपने आप को काफ़ी खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे यहाँ पे काम करने का एक मौका मिला और इस एरिया की जो पोटेंशियल है बच्चों के पास में उसको कन्वर्ट करने का एक जो सिस्टम बना, उसका जो इसका हम हिस्सा बने, वो मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है. जहाँ तक मैं ललित माथुर की बात करूँ, ललित माथुर हमारे पास में 2005 या 2006 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे पास में किसी क्लास में, और जूनियर विंग में 6th और 7th के अंदर ये सिर्फ अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करता था इंट्रा हाउस में, कभी फुटबॉल, कभी बास्केटबॉल, कभी कुछ. तो एक इवेंट में हम लोग गए यहाँ से जोन पे, पहले हम जोन में गए और एक चैम्पियनशिप चल रही थी हमारी 2008-09 में इंदिरा गांधी फिजिकल कॉलेज स्पोर्ट्स साइंस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स कॉलेज है. यहाँ पे एक चैम्पियनशिप चल रही थी CBSE क्लस्टर एथलेटिक्स. तो ललित माथुर ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 3000 मीटर में इन्होंने रन करना था. तो ही इज़ टोटली कन्फ्यूज कि सर 200 मीटर का ट्रैक है, इसके राउंड कितने होंगे, मुझे कौन सी पेस से भागना है, मुझे कौन सी स्पीड से भागना है. लेकिन कुछ इवेंट क्या होते हैं कि कुछ प्लेयर क्या होते हैं वो विल पावर से बने हुए होते हैं. तो ललित माथुर वन ऑफ द डैम, इन्होंने पार्टिसिपेट किया उसमें और ही गॉट सेकंड पोजीशन. तो ये यहाँ से जो है ललित माथुर का एक जर्नी स्टार्ट होती है और नोबडीज नो कि भाई ये आके इन आने वाले टाइम पे ये ओलंपियन ललित माथुर बनेंगे. तो वो इनका स्ट्रगल है, इनके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं, उनका ट्रेनिंग टाइम में उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया है बिफोर द स्कूल एंड आफ्टर द स्कूल. फिर इसके बाद में जब ये बच्चा हमसे एडवांस हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमसे बेस्ट कोचेज हैं अवेलेबल हैं दिल्ली गवर्नमेंट की, हम लोग वहाँ इनको प्रोवाइड करवा देते हैं इनकी फैसिलिटीज़. तो मुकेश कोच साहब हैं ये, उनके पास में उन्होंने अपना जर्नी को स्टार्ट किया और आज आपके सामने हैं. तो 2009 में वी आर सिलेक्टेड इन CBSE नेशनल चैम्पियनशिप एथलेटिक इन मेहसाणा गुजरात. ललित माथुर ने उसमें पार्टिसिपेट किया एंड ही गोट 10th और 9th पोजिशन इन 3000 मीटर. तो उस इवेंट में हमारा एक एथलीट और था, वो वहाँ पे बेस्ट एथलीट बना, 1500 और 800 दोनों में उसका गोल्ड था वहाँ पे. तो ही बिकम ए स्टार प्लेयर एंड उसको बेस्ट एथलीट की अवार्ड ट्रॉफी से उसको नवाजा गया वहाँ पे. तो ललित माथुर मेरे साइड में खड़ा हुआ था. ललित माथुर ने कहा कि सर ये जो बेस्ट एथलीट की जो ट्रॉफी है और ये जितने भी इसके रिकॉर्ड हैं ये सारे ब्रेक करूँगा मैं नेक्स्ट ईयर. तो मेरे साथ में कुछ और टीचर भी खड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि बेटा रिकॉर्ड ब्रेक ऐसे ही नहीं होती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. 2010 अगेन इन जयपुर CBSE नेशनल एथलेटिक मीट, ललित माथुर ब्रेक द ऑल रिकॉर्ड 800 मीटर, 1500 मीटर एंड 3000 एंड गॉट बेस्ट एथलीट इन जूनियर सेक्शन. यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, तब इनको ये पता चला कि या मैं कुछ कर सकता हूँ मैं. देन ही पास आउट फ्रॉम स्कूल, रिप्रेजेंट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, कॉमनवेल्थ गेम और फिर जो सबका ड्रीम है भारत में जितने भी प्लेयर जो अपने आप को प्रोफेशनल कैरियर में स्पोर्ट्स में बना रहे हैं उनके लिए कैरियर में है कि भाई वो स्टार प्लेयर बने, भारत के लिए खेले. तो 2016 में ओलंपिक गेम जो रियो में हुए, ललित माथुर उसका हिस्सा बने और हमें बड़ी खुशी होती है कि गंगा इंटरनेशनल स्कूल सावदा से ऐसे प्लेयर्स निकले हैं जिन्होंने भारत का नेतृत्व किया. अब स्कूल के अंदर काफ़ी सारे प्लेयर अभी भी ऐसे हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अभी हमारे प्रिंसिपल मैम जो हैं प्रेरणा चौहान मैम हैं और सी इज़ आल्सो स्पोर्ट्स लवर. उनके गाइडेंस में हमने स्पोर्ट्स कल्चर को सेम डेवलप कर रखा है. काफ़ी बच्चे जो है मॉर्निंग में, क्योंकि कोविड चल रहा था तो अब आना स्टार्ट हुए हैं. अभी तनु मान है जो एशियाना ओशियाना जूडो के अंदर सिल्वर मेडलिस्ट है. बादल लाखड़ा है जिन्होंने कॉमनवेल्थ जूडो चैम्पियनशिप इंग्लैंड के अंदर ब्रॉन्ज मेडल लिया. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खेलो इंडिया के हिस्सा हैं
और बहुत सारे और प्लेयर ऐसे हैं जो अपकमिंग के अंदर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बेसिकली ललित माथुर एक रोल मॉडल हो गए हैं कि ललित माथुर जैसा प्रोडक्ट गंगा इंटर स्कूल सावदा से पास आउट है और इनकी जर्नी यहीं स्टार्ट हुई थी, तो वो इनको आप रोल मॉडल में देखते हैं। और उन सभी का ड्रीम ये है कि हम भी ललित माथुर जैसे स्टार प्लेयर बने, हम भी ओलंपिक के लिए ओलंपिक में पार्टिसिपेट करें और भारत के लिए पदक लेके आए। तो ये सब जब प्लेयर एडमिशन लेता है स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में, तो उसका ड्रीम तब तक क्लियर नहीं है जब तक वो वर्कआउट नहीं करता है, वर्क हार्ड नहीं करता है, डिसिप्लिन नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तब तक वो प्लेयर नहीं बन सकता है। प्लेयर बनने के लिए बहुत सारी तपस्या करनी पड़ती है, जिसके अंदर प्लेयर के साथ साथ में जो उसका फैमिली बैकग्राउंड है, जो पेरेंट सपोर्ट है, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। और मैं आने वाले समय में ललित माथुर के लिए यही यहाँ पे कामना करूँगा कि वो इसी तरीके से ही देश के लिए खेलते रहें और पदक लेके आए। धन्यवाद। मेरा नाम बात लाकड़ा, मैं जूडो खेलता हूँ। मैं गंगा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ, सावदा स्कूल 11th क्लास में पढ़ता हूँ मैं। मेरी आज हाईएस्ट अचीवमेंट है इंग्लैंड कॉमनवेल्थ जो वुल्सन में हुई थी, वहाँ मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। मेरा ड्रीम है ओलंपिक में गोल्ड लाना, क्योंकि आज तक जूडो में ओलंपिक खेले हैं, 2-3 है खेले, लेकिन मेरे को खेलना नहीं, मेरे को मेडल लाना है। जैसे नीरज चोपड़ा को लाया वैसे मेरे को जूडो में ले गया ना, चाहे ब्रॉन्ज या गोल्ड या सिल्वर, मेरे को जो मेरी उम्मीद है वो मैं गोल्ड लेके आऊँगा। मेरा नाम रितु है, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं हॉकी खेलती हूँ, मेरे को 10 साल हो गए खेलती हूँ। मेरे को स्कूल नेशनल खेल रखा है और मैंने खेलो इंडिया खेल रखा है, और मेरे को स्कॉलरशिप भी मिल रखी है दिल्ली स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से।